শ্রী সিদ্ধান্ত সরসতি বিজয় গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দম শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিতোদ सी नन्दनन्दनं वन्दिराधिका चरणोदयं गोपीजनो समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरु वैश्यकृपासिन्धुप्रवच अतितानं पावने भो वैष्णविभ्यो नमो नमः मुकं करोति वाचा लंग पंगु लंग हैतगिरि यत की पातमहंग बन्दे परमानंद माधवम ब्रंदा ओय तुलसी दे वही पिया वही केशव सच श्न भक्ति पद देवी सत्व बत्वे नमो नमः नारायणर नमस्कित्त नरोन्ชัย अनरोत्तम দেীং সরস্বং বেশম তী সংকীর্ণ কথোপদেশ গৌরীপত্র সকশনে চুক্ত গুর্ভক্তি ভক্তি প্রমদাশজগগোদ্ন ধ্যে সদা পিভবগ্নমীষ্টদুহম तेतस पदम शिव विरंचनुतम शरणं हेतते हम वनोदपान भवत दीपूतम बन्दे महापुरुषते चरणा रोबिन्दम यत्पादपल्लवनकचन्दमणि छटाय बेसपुर जी तो बेस के मबीक भवद सुवादर्श परान अनुराग रस सार मूर्ति साराधिकमय कदम श्री करो चैतन्य प्रभु नेता नृयद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद चैतन्य प्रभु नेतानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिव सदी गौरवभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে আজানু লম্বিত ভুজৌ কনকতো সংকীর্তনৈকিতর কমলা চাক্ষ षाम बरु दिज भर जुगधर्म पालू बंदे जगत प्रिय करो करुणा भतारों हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे आजान लंबित भुजुक अनुक बुधो संकीर्तनय कविरो कमला ह्यताक्ष विशोम बरु दिज भरु जग धरम पालो बन्दे जगत प्रिय करू करुणा भतारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददासि नि

गीषजस्वने लक्ष्मीजस् वक्षसी यहांस्ते हृदय संबित शृंगमहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम

कथंचित आश्रयादेश भवे गौरी गोष्ठीपति बोती शिष्यला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को समि परमंश जगत गुरु जी ने बताए आम आदमी का भावना ऐसा है कि भगवान आप माया मिलाकर मेरा पास आओ आप थोड़ा माया मिलावटी करके फिर आप मेरा पास आओ नब तो नहीं तो कोई सुविधा नहीं होगी गौरी गोष्ठीपति होती श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को भोपाल। हो पारम से जगत गुरु जी ने बताए ये आम आदमी का गलत भावना ऐसा है ये लोग भगवान का पास ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान आप थोड़ा माया का माया का मिलावटी करके हम पास आओ आप दर्शन दो आप मेरा पास आओ लेकिन थोड़ा माया का मिलावटी करके आओ वो बात कहते हैं भगवान कभी माया का मिलावटी करके सामने नहीं आता भगवान कभी माया का मिलावटी से सामने नहीं आता भगवान विशुद्ध है तूर्य वस्तु है विशुद्ध सत्यम इस अवस्था में भगवान कैसे हमारा मायामय जगत में हमको दर्शन करने के लिए माया का साथ मिलावटी करके मेरे पास आए ये कैसे संभव है भगवान तो अपराकी तो वैकुंठ प्लेटफॉर्म में रहता है ना ऐसे भगवान माया का मिलावटी करके नहीं आ सकता ऐसा संभव नहीं इसलिए जरो जगत का जरो जगत का जितना सारे आदमी हैं ये लोगों को भावना सरासर गलत है ठीक नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल में चारों ओर जो मधुमक्खी मरमराते रहते हैं चारों ओर गुनगुनाते रहते हैं ये श्री चैतन्य पदाम्बुजो मधुपेभ्यो नमो नम श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का चारों ओर जो सब मधुमक्खी चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का चारों ओर जो मधुमक्खी है हनी ये चारों ओर मरमराते रहते हैं गुनगुनाते रहते हैं और श्री चैतन्य कमल का मधु पान का नशे में मशगुल हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का जो मधु है शायद ये मधुपान में वो लोग मशगूल हो जाते आनंद से उछल पड़ते हैं और ऐसा मापिक सैन्य श्री चैतन्य महाप्रभु का जो निजी जन है भक्तों लोग हैं या हर भगत श्री चैतन्य चरण कमल का अमृत मधुपान करके आनंद से झूम पड़ते हैं ऐसा ये सब मधुमाक्षी भगवान का निजी जन है और ऐसा कोई एक मधुमक्षी अर्थात मधुपान करी मधुपान करने वाले ऐसा कोई महापुरुष इनके चरण का सोरा थोड़ा सा सौगंध मिल जाए हमको तो हम कित -कितार दो हो जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का ये चरण कमल का जो सोवास है सौगंध है ये अगर कुत्ता ये अगर कोई एक कुत्ता भी मिल जाए उनको चैतन्य चरण कमल का थोड़ा सौगंध मिल जाए कुत्ता को ये कुत्ता भी मालामाल हो जाएगा श्री चैतन्य पदाम भुजो मधुपेभ्यो नमो नम कथंचित आश्रया जेसा साओपी तद्गंधवा भवें श्री चैतन्य चरण कमल का जो मधुमाक्षी है कोई एक ऐसा महापुरुष मधुमक्षी का चरण कमल का जारा सा भी थोड़ा सा भी आश्रय ले लो तो हम एक कुत्ता भी मालामाल हो जाए कित तो हो जाए ये कोई बनावटी बात नहीं है ये कोई बनावटी बात नहीं है ये हकीकत है शिला शिवानंद सेन का नाम सुने होंगे आप श्री गौरांग महाप्रभ का निजी जन श्री गौरांग महाप्र का पार्षद है शिवानंद सेन शिवानंद सेन का घर में कभी कभी कर्णपुर आविर्भाव हुआ था ये भी आपको मालूम है तो ये शिवानंद सेन गौ गो, गौर भक्तगण को ये शिवानंद सेन ये शिवानंद सेन नवद्वीप भाषी ये शिवानंद सेन नवद्वीप वासी तथा बंगवासी जितना सारे गौर भक्त हैं ये गौर भक्तों को आ, रथ यात्रा का पहले मतलब चातुर्मासो चातुर्मासो का पहले चौमासा मनाने के लिए पुरुषोत्तम नाम नीलाचल जाया करते थे सारे इकट्ठा और शिवानंद सेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था जुमा था सारे भक्तों लोगों को पालन करके पूरा रास्ता पालन करके ले जाए पूरा पुरुषोत्तम धाम ऐसा सेवा था तो ये एक दफे ये शिवानंद सेन का साथ जितना सारे भक्तों लोग नित्यानंद भी जा रहे हैं सब जा रहे हैं सब जा रहे हैं अद्वैतों के साथ नित्यानंद सारे चल रहा है लेकिन एक कुत्ता भी चल रहा है एक कुत्ता भी शिवानंद के साथ जा रहा है गोरंग महापू का दर्शन करने के लिए नवदी वो पुरुषोत्तम धाम जा रहा है ये कुत्ता जा रहा है कुत्ता को पालन कुत्ता को पालन करके शिवानंद सेन रास्ते में कुत्ता को पालन करते हुए ले जा ले जा रहा है क्या नव क्या नीलाचल धाम एक दफे एक जगह एक दफे एक जगह जहाँ शिवानंद सेन भिक्षा कर करने के लिए गया शिवानंद सेन भिक्षा करके रसोई करके भक्तों लोगों को प्रसाद दिया करते थे भिक्षा करने के लिए गए और भिक्षा करने में थोड़ा लेट हो गया थोड़ा लेट करके आया है आके भक्तों लोगों को प्रसाद दिया, सब कुछ दिया और इस दिन शिवानंद सेन का थोड़ा लेट हो गया शिवानंद सेन को प्रसाद दिया गया शिवानंद सेन प्रसाद पा रहे, आप रहे। mm. था? था? <ल्णों> <ity> hmm. हैं अब पूछ रहे हैं कुत्ता को प्रसाद दिया कुत्ता को प्रसाद कुत्ता प्रसाद पाए कुत्ता को प्रसाद दिया तो अरे तो बड़ा भूल रह गया कुत्ता को प्रसाद नहीं दिया कुत्ता को भूल गया कुत्ता को प्रसाद नहीं दिया तो बोला अरे कुत्ता कहाँ गया कुत्ता को ढूँढो यहाँ वहाँ ढूंढने से भी कुत्ता नहीं मिला कुत्ता मैंने कुकुर डॉग हाँ कुत्ता को बहुत ढूंढा कुत्ता मिला नहीं कुत्ता को प्रसाद नहीं दिया इसके बाद शिवानंद सेन बड़ा दुखी हो गया बड़ा दुखी हो गया कुत्ता को प्रसाद नहीं मिला छी 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 कैसा बात है इसके बाद सारे भक्तों लोग धीरे धीरे परिक्रमा करते हुए नवद नीलाचल धाम को पहुँचे नीलाचल धाम को पहुँचे नीलाचल धाम में जाकर शिवानंद सेन आदि जितना सारे भक्त बिंदु हैं वो सारे गौरांग महाप्रभु का पास गया प्रणाम करने के लिए प्रभु बैठा हुआ है प्रभु एक पत्थर का चट्टान उसका ऊपर बैठा हुआ है एक पत्थर का चट्टन है स्टोन महाप्रभु बैठा हुआ है और दैट वो ही कुत्ता सामने बैठा हुआ है महाप्रभु नारियल ससो दे रहा है बोलो उसको दे रहा है हरे कृष्ण बोलो वही कुत्ता जिसको प्रसाद देने में भूल रह गया वो कुत्ता कहाँ कैसे चला गया महाप्रभु के पास शिवानंद सेन का कुत्ता नीलाचल में महाप्रभु का पास चला गया कैसे गया कौन जाने और महाप्रभु उसको नारियल सो सो दे रहा है बोलो हरे कृष्ण कुत्ता को बोल रहे हैं शिवानंद सेन कुत्ता को देखा अरे ये अजीब सी बात है कैसे पहुंच गया है? कुत्ता इतना दूर आया अब उसको साष्टांग प्रणाम किया थोड़ा भूल रह गए प्रसाद दिया नहीं क्षमा करें हमको कुत्ता को प्रणाम किया शिवानंद कुत्ता को प्रमाण कर प्रणाम करके क्षमा मांगा प्रसाद देने में भूल गया अब वही कुत्ता उसी जगह से भैनिस हो गया वो कुत्ता मिला नहीं कुत्ता को महाप्रभु महाप्रसाद दिया कुकुर डॉग लेकिन वो कुत्ता और मिला नहीं कुत्ता वैनिश महापो वैकुंठ लेके चला गया ऐसा है तो शिवानंद सेन का शिवानंद सेन का जरा सा भी आश्रय लिया है कुत्ता कुत्ता भी वैकुंठ जगत चला गया श्री चैतन्य पदम्भुजो मधुपेभ्यो नमो नमः कथित आश्रयाद येषाम सा ओपी तदग्धा भावे इसका साक्षात प्रणा प्रमाण है जो भी है अभी श्री में तो कहा हम लोग चर्चा करते हुए कहाँ तक आए देखो काल यहाँ चर्चा हो रहा था कृष्ण भक्ति का खिलाफ कृष्ण भक्ति का खिलाफ जितना सारे शुभा शुभ कर्मों कृष्ण भक्ति का खिलाफ जो क्रियाक्रम अपरेंटली रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ लेकिन ये कृष्ण भक्ति का लिए खतरा है डेंजरस कृष्ण भक्ति का रास्ते में ये मेरा जो एक्टिविटीज़ है ये डेंजरस है क्योंकि ये भी मेरे को बंधन में डालेगा नरतोम ठाकुर जी ने कीर्तन किया है पुण्य से सुखेर धाम नालोइय उतारना पाप और पुण्यों दोनों ही खतरा है डेंजरस है पाप बिल्कुल करना नहीं चाहिए पाप कर्म शक्त माना है कर्म भी भक्ति का रास्ते में वन काइंड ऑफ इन्फ्रीडिमेंट कर्म पायस एक्टिविटीज तो कृष्ण भक्तिर बाधक य तो शुभाशुभ कर्म हो एक जीवे अज्ञान धर्म तो कोई अगर जीव कोई शुभ कर्म करने जाए कोई अगर जीव एभा कुछ भी कर्म करने जाए ये इसके लिए फांसी का फंदा बन के रह जाएगा अर्थात ये भी अज्ञान तमो ये भी अज्ञान तमो है पोपा जी ने बोला किसी भक्तों का पिताजी गुजर गया सम भक्तो हिज फादर गॉन फ्रॉम दिस मल्ड ये भक्तों जोर जबरस्ती कर्म कांडी श्राद्धो करने के लिए दौड़ा पौपा बोले क्या बात है वैष्णव लोगों का लिए ये जो मेटेरियल जगत का जो श्राद्ध है ये जरूरी नहीं है वैष्णव लोगों का लिए जड़ जगत का जो श्राद्ध है ये जरूरी नहीं है उचित नहीं है तो जड़ जगत का आदमी जानता नहीं ये सोचता है कि ये शुभ कर्म है ये हम करें लेकिन ये भी बंधन का कारण बन जाता है कृष्ण भक्तिर बाधक यह तो शुभ कर्म हो चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म है ये सारे जीवात्मा के लिए एक अज्ञान तमो धर्म है जड़ जगत का जितना सारे आदमी हैं ये लोगों का अंदर में ऐसा रॉन्ग कंसेप्शन बैठा हुआ है धर्मों बोल के जो चीज़ है ये भागवत धर्मों वास्तविक भाग, भागवत धर्म वास्तविक आत्म धर्म बाकी धर्मों का नाम पे, बाकी धर्मों का नाम पे दुनिया में जहाँ तहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब बेकार है अगर कोई ट्राइबल्स है आंदामान निकोबार आइलैंड, इफ यू गो दे कैन किल यू तो वहाँ जाओ वो ट्राइबल्स है। लोग हैं ये ट्राइबल लोग दे हैव दे रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज ट्राइबल दे है दे हैवे रिचुअलिटी आर डांसिंग डूइंग दिस दैट सो हर जाति का अंदर में हर जाति के अंदर में थोड़ा बहुत किसी न किसी किस्म का शुभ अशुभ कर्म रहता ही है और ये लोग सद सोचता है कि धर्मों की ये सब अज्ञान तम अज्ञान तमो धर्मो और नित्यानंद गौरंग महापोभ का अगर कृपा हो गया तहार प्रसाद यही तमो है नास और गौरंगो एक ही है जो नित्यानंदो यही गौर है इसीलिए एक सिंगुलर नंबर यूज किया तहार प्रसाद यही तमहय नास तमोनाश करी करे तप्तर तो प्रकाश तमोनाश अगर हृदय का अंदर से तमगुण अंधेरा चला गया तो हृदय विकसित हो जाएगा आलोकित हो जाएगा जो गुरु मंत्रों में हम लोग बोलता है ना अज्ञानोति तिवीन ज्ञानाजना स्वर तो हम से गुरु चक्षुरु बेनो ऐसे तो, तो नित्यानंदोग अर्थात गौरांगो महाप्रभु एक ही है इनका कृपा से हृदय का हृदय का जो अज्ञान अंधेरा है ये नाश तो तो हो जाता है और तत्व ज्ञान का परिस्फुटन विकसित हो जाता है हृदय तत्व वस्तु एक्चुअली कृष्ण है तत्व वस्तु एब्सल्यूट एप, तत्व वस्तु कृष्ण है जब भी कृष्णों का साथ कृष्णों का परिकर वैशिष्टो धाम नाम सब आता है पैराफर्नलिया कृष्ण धाम नाम सब एक कृष्ण तत्व फिर भी तत्व वस्तु कृष्णों कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप सूर्य चंद्र बााहिर तमों से बिना से सूरज और चंद्रमा बाहरी दुनिया का अंधेरा हटा देते हैं और बाहर का दुनिया का जितना सारे वस्तु हैं सब दिखाई पड़ता है ये दुनिया में जितना सारे वस्तु हैं सूरज भगवान और चंद्र भगवान का कृपा से ये जगत का सारे वस्तु दिखाई पड़ता है वस्तु घोट पॉट आदि से प्रकाश है लेकिन ये दो भाई नित्यानंद और गौर ये हृदय का अंधेरा हृदय का डार्कनेस हृदय का अंधेरा हटा देते हैं और दो भागवत का साथ हमारा साक्षात्कार करा देता है दो भाई नित्यानंद और गौर ये दोनों भागवत का सार मेरा भेंट करा देता है साक्षात्कार वो कौन है एक है भागवत भक्तो एक है भागवत भक्तो ये एक भागवत है भक्त भागवत और एक भागवत शास्त्रो गुण तो भागवत ये दोनों का साथ परिचय करा देता है भेंट करा देता है एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्रो और भागवत भक्त भक्ति रसोपात्र भक्ति कहाँ रहता है भक्ति कहाँ रहता है भक्तों में भक्ति कहाँ रहता है भक्तों में रहता है गंगा पानी कहाँ है इसका अंदर गंगा पानी है ये प्लेट पात्र है भक्ति भक्तों का हृदय में रहता है भक्तों का हृदय भक्ति का आधार भक्ति रस भक्तों का हृदय भक्ति रस का आधार है तो आर्य भागवत भक्तो भक्ति रस पात्र दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस दुई भागवत के द्वारा एक गौंत भागवत एक भक्त भागवत के द्वारा भक्ति रस किसी का अंदर में ट्रांसलेट कर सकता है या तो भग भागवत शास्त्रों और गौन्त भागवत ये दोनों का चर्चा विचार सेवा करा के करवा के फिर इसको भक्ति देता है दुई भागवत दिया दुई भागवत द्वारा दुई दुई भागवत के द्वारा भक्ति दिलवाकर उसका अधीन हो जाते हैं इनके हृदय में इनके हृदय में इनके प्रेम के द्वारा इनके बशबूत हो जाता है एक अद्भुत समकाले काले दो प्रकाश नित्यानंद और गौर ये बड़ा मिराकल है आश्चर्य है एक साथ दोनों सूरज और चंद्रमा का आसमान में गौरोदय में प्रकाश हो गया एक अद्भुत समकाल काल मैंने साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों का दोहार प्रकाश और एक अद्भुत है चित्त गुहार तमोकर दोनों में दोनों ने ये जगत में आविर्भाव होकर बड़ा अद्भुत ये चित्तों का हृदय का अंदर में जो तम है उसको नाश कर देता है यही चंद्र सूर्य दो ही परम सद ये जगत का चंद्र चंद्र और सूर्य ये तो उदित होता ही है लेकिन गौरांगो नित्यानंदो ये जो सूर्य और चंद्र ये जगत का जगत का सौभाग्य में बड़ा आश्चर्य चीज है परम सदय बड़ा मार्सीफुल है बड़ा करुणा करके उदित हुआ है ये चंद्र सूर्य दुई परम सदय बड़ा अनुकूल हो के ये जगत का तकदीर ये जगत का तकदीर कलिकाल में ऐसा खिल गया तकदीर विकसित हो गया तो दोनों ए जगत में उदित होकर यही चंद्र सूर्य दुई परम सद जगत का इस जगत का सौभाग्य में गौड़ देश में गौराचल में अर्थात धाम में में गौर धाम पूरा धाम बोल के ये गौरांगों का धाम लेकिन गौड़ देश गोड़ धाम बोलने से नवद्वीप मंडल और गौड़ देश बोलने से पूरा बंगाल চাহ বাঁকুড়া হো বীরভূম সারে গৌরদেশ পুরা গৌরদেশ জগতের ভাগ্যে গৌরে হইলে উদয় উদ উদয় হুয়া জসে সূরজ পুরব দিশা মেয়ে উদিত হতা এসে দনো সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্ধন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এ দনো গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ কাজ চরণ वंदना कर रहे हैं वंदना कर रहे हैं से दुई प्रभुर को चरण वंदन जहाँ हुई थे विघ्न नाश अविष्टपूरण गौरांगो नित्यानंदो जिसका ऊपर जिसका ऊपर प्रसन्न है उसका क्या कुछ बाकी रहेगा क्या साफ पूर्ण हो जाएगा से दुई प्रभुर को चरण वंदन जहाँ हुई थे विघ्न नाथ अविष्ट पूर्ण अविष्ट मतलब हमारा जो अल्टीमेट गोल है यह पूर्ण है अविष्ट क्या है कृष्णदास को विराज गोस्वामी का कृष्णदास को विराज गोस्वामी का अविष्ट है जगत का हर आदमी गौरंग महापो का कृपा मिले हर जगत का आदमी को गौरंग महापो का कृपा मिल जाए यही अविष्ट है भक्तों लोगों का क्या अविष्ट हो सकता है जहाँ वही थे विघ्ननाथ पूर्ण यही दो श्लोके कोई लो मंगल वंदन मंगल আচরণ কম বন্ধন কিয়া তৃতীয় শ্লোক কে অর্থ এভে এই যে তৃতীয় শ্লোক হ্যাঁ এর্তন বড়া সাবধানীছে তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুনো বক্তব্য বাহুল্য গ্রন্থ বিস্তার দরে বিস্তারে না বর্ণি সার করি অল্প করে আমি বতানা চাহে लेकिन इफ़ आई गो ऑन राइटिंग बुक्स इट विल बी बिग बुक सो पीपल कैन बी फील टायर्ड सो ये तृतीय श्लोक का अर्थ बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ वक्तव्य बाहुल्य बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन ये किताब चैतन्य मोटा हो जाएगा लोग इसीलिए डर के मारे हम थोड़ी सी शब्दों में और सोरी सी शब्दों में मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ विस्तार इन दि, इन डिटेल्स हम बताना नहीं संभव नहीं है तो इसलिए बड़ा स्वल्पाक्षर में थोड़ी सी शब्दों में बताना चाहता हूँ ग्रंथिर ग्रंथों का ही जो चैतन्य था मित्रों ग्रंथों का जो अंदर में जो सार वस्तु है ये जो चैतन्य चैतामित तो है इसका अंदर में क्या जिस्ट क्या है क्या बोलना चाह इसका अंदर में क्या है वो बोल रहे हैं ये वक्तव्य बो बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे डरे विस्तारे नावरणी सार्थों को ही अल्पो अक्षरे थोड़ी सी शब्दों में थोड़ी सी शब्दों में मैं किताब का टारगेट क्या है ये किताब जो किताब है चैतन्य तो इसका अंदर में क्या वस्तु है व्हाट इज द टारगेट टेक्स्ट क्या है बहुत थोड़ी सी शब्दों में बताना चाहें और हमारा प्राचीन शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है जब मित सारंच बचो ही बाग्मिता इति कभी कभी कोई आदमी को बोलो इस विषय पर थोड़ा लिखो वो लिखेगा वॉल्यूम सब राइट और कभी कभी ऐसा भी आदमी है उसी विषय के ऊपर थोड़ी सी शब्दों में लिख दिया थोड़ी सी शब्दों में लिख दिया हर आदमी का अंदर में ऐसा पावर नहीं है कोई आदमी कुछ पॉइंट लिखने दो इतना लंबा लिख देगा और कोई आदमी ऐसा बुद्धिमान है उसी लंबा विषय एक वास्ट है न टॉपिक वो थोड़ी सी शब्दों में लिख देगा बहुत इंटेलिजेंट इसे बोल रहे जो सारंचो बचो ही इति सुनिले खुंडीबे चित्तेर अज्ञानादि दोष कृष्णेर गारो पेम पा, हबे पाइबे संतोष कृष्णदास कुराज गोस्वामी गिविंग एश्योरेंस आई गिव एश्योरेंस टू यू यदि अगर चैतन्य चैतन्य तो आप पाठ करोगे सुनोगे चैतन्य चैतन्य तो अगर आप सुनोगे पाठ करोगे सुनोगे तो अंदर का जितना सारे जितना सारी गंदगी है सब हट जाए चित्तेर अज्ञान आदि दोष जितना सारे इग्नोरेंस है सब कुछ जितना सारे पेनफुल एक्सपीरियंस है बहुत कुछ पाप है बहुत सारे अनंत तो सारे दोष हट जाएगा सुनिले एल खोडी चित्तेर अज्ञान आदि दोष कृष्णे गारो प्रेम होवे पाइबे वे संतोष एवं कृष्णो चरण में आप ये चैतन्य चैतन्य तो पाठ करने के बाद भगवान का चरण में बड़ा गाढ़ा प्रेम मिलेगा विच इज द टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी प्रेम मिलेगा बहुत अनोखा प्रेम कृष्णदास कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं सुनिले यदि अगर सुनोगे सुनिले खंडी अज्ञान आदि दोष कृष्ण गारो प्रेम हे पाई बे संतोष यू कैन गेट एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन इफ यू गो थ्रू चैतन्य और हियर आर गोन्थों का विषय वस्तु कहा है ग्रंथों का अंदर में जो सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका बारे में लिखा है श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व श्री चैतन्य तत्व श्री नित्यानंद तत्व अद्वैत महत्व सारे हैं और इनके भक्तो भक्ति नाम प्रेम रस तत्व तो। मैंने भक्तों का बारे में लिखा हुआ है भक्तो जो भक्ति करे इसका बारे में लिखा हुआ है भगवान का नाम का अनोखा व्याख्या महिमा प्रकाश किया है और भक्तों लोग जो प्रेम प्राप्त होता है प्रेम का तत्व तो तो इसका अंदर में है और रसो तत्व तो तो जिसके अलावा जगत का कोई स्थिति गोती नहीं है जगत का कोई स्टेबिलिटी नहीं है रस के अलावा रस के द्वारा ही जगत का स्टेबिलिटी है अगर जगत में रस नहीं है चाहे मेटेरियल रस हो क्या अपराधी दृष्ट रस जरूर है रस नहीं है तो कोई जीना नहीं चाहेगा कोई जीना नहीं रस नहीं है तो कोई जीना नहीं चाहेगा नो बड़ी राइट टू लिव विदाउट रस तो ग्रंथों का सब्जेक्ट मैटर क्या है ना श्री चैतन्य तत्व तो तो श्री नित्यानंदो अद्वैत महत्व और इन लोगों का जो भक्त है तार श्री चैतन्य महाभु का भक्तो और भक्ति क्या चीज़ है नाम का महिमा प्रेम क्या चीज है रसोतत्व सारे अलग से इंडिविजुअली इसका विस्तृत वर्णन होगा इसका अंदर में इसका विस्तृत वर्णन जरूर होगा आनंद मिलेगा बहुत श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व तार भक्तो भक्ति नाम प्रेम रसोतत्व भिन्नों भिन्न लिखिया छी सब अलग अलग करके कैटेगोरिकली हमने आपका आपको आपका जैसे समझने में सुविधा हो आपका जैसे समझने में सुविधा हो ऐसा करके हम इंडिविजुअली विचार करके सब लिखा है ये श्री चैतन्य दत्तो है नित्यानंद अद्वैत महत्व आर चैतन्य महाप्र का भक्तों का महिमा भक्तों कौन है भक्ति का महिमा नाम प्रेम क्या चीज़ है कृष्ण प्रेम रस तत्व तो तो क्या है सब इंडि इंडिविजुअली विचार करके सब दिखाया भिन्न भिन्न लिखिया है जी कैटेगोरिकली हमने लिखा है विचार करके विचार करके लिखा है अगर आप सुनेंगे तो सुनी ले जानी बे सब वस्तु तत्व तो तो सार ये जब ये सब जो वस्तु तत्व तो तो बोला है सब वस्तु तत्व तो तो के बारे में सारे जानकारी मिलेगा सुन लें जानीबे तत्व तो तो वस्तु तो तो सार श्री रूप रघुनाथ जा रस चैतन्य चरित्र तो कहे कृष्णदास कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर चैप्टर का बाद हर चैप्टर इच चैप्टर का बाद जब अंत किया और नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है तो वंदना किया है श्री रूप रघुनाथ जा रस जो लोगों का जिंदगी का मकसद है रूप रघुनाथ का चरण सीमत रूप बदाम जो धुली स्वांग जन्म जन्म ने ऐसा विचार है श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चैतन्य तो कहे कृष्णदास कृष्णदास को विराज गोस्वामी एक कृष्णदास को विराज गोस्वामी अपना परिचय दे रहा है एक कृष्णदास को विराज गोस्वामी अपना परिचय दे रहा है क्या बोले रूप रघुनाथ पदे जार आस जिनके एकमात्र तो टारगेट है रूप रघुनाथ का चरण कमल वही सुदास कोविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चौधामित्व तो लिखा है लिखा है कंपाइल किया है इसी श्री चैतन्य चौधामित्व तो आदि खंडे गुरुवादि बंदन बंदन मंगलचारण नाम प्रथम प्रथम परिच्छेद प्रथम अध्याय समाप्त अभी सेकेंड चैप्टर में हम लोग जा रहे हैं ये जो चैतन्य चैत का पहला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर डीलिंग विद वंदना आदि इन जिस्ट वॉन्टेड टू शो मेनी थिंग और ये जो सेकेंड चैप्टर है सेकेंड चैप्टर में एक एक करके नित्यानंदो इनके परिकर नित्यानंदो का परिकर अद्वैतों सारे एक एक तत्व अलग अलग आला करके विचार करके लिखा है श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपी रूपी यदनो गृहा नाना मतो ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम इसका माने हैं श्री वही वही परात्पर अखिलेश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल वंदना करता हूँ जिस चैतन्य तो महाप्रभु का जरा सा आशीर्वाद हो जाए तो हम सिद्धांतों के जो सागर है ये पार पार करके चले जाएंगे तरन नाना मतो ग्राहम ये सिद्धांत सागर में कोकोडाइल है सार्क है सिद्धांत सागर ओशन, ऑल कोकोडाइल, सार्क इट यू सो चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का सहारा लेने से एक बच्चा श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का सहारा लेने से एक नादान बच्चा एक नादान बच्चा वो भी सिद्धांत सागर पार करके आराम से चले जाते जैसे अद्वैत तो, जैसे हमने बोला था तो गोसाई का छोटा लड़का अच्युतानंद अच्युतानंद अद्वैत गोसाई को किसी ने पूछा अच्छा चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन है तो अद्वैत गोसाई बोले केशव भारती जो भारतीस लिया है और ईश्वर पूरी बात से अच्युतानंदो खेल रहा था बच्चा का बच्चों का साथ बच्चों का साथ खेल रहा था अच्युतानंदो दौड़ के आया नंगा है कोई कपड़ा नहीं है बच्चा नैकेट बच्चा वहाँ आके पिताजी तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया और औद्योतिक को बोल रहे हैं आप प्रामाणिक आद्यु हैं आपको लोग ऑथेंटिक पर्सनैलिटी मानता है अब क्या बोला है साहब चैतन्य महापू का गुरु चैतन्य महापू तो खुद अनंत ब्रह्मांड का गुरु है हैं चैतन्य महापू सब जगत का गुरु अनंत ब्रह्मांड का कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम श्री कृष्ण चैतन्यम बंदे जगत गुरु भगवान तो अरे आप बोले का गुरु कैसा भारतीय है ये आपका आपका ये जो विचार है इसमें जगत नाश हो जाएगा और दृध गोसाई बच्चा को गोदी में ले लिया गोदी में बच्चा को उठा लिया चुम्बन किया तुमने ठीक बोला बच्चा को आदर किया तो एक बच्चा चार पाँच साल का इसका भी इतना तगड़ा सिद्धांत तो विचार है एक चार पाँच साल का नादान बच्चा है वो सिद्धांत तो ऐसा सुंदर बोला अद्वैत को सा बड़ा चौक गया आश्चर्य हो गया श्री चैतन्य प्रभु बंदे बालोपी जदनो ग्रहा तरे नाना मत ग्रह व्यक्त तो सिद्धांत तो सागर इसका बाद भक्त लोगों का महिमा कीर्तन किया हे दयामय हे दया समुद्र चैतन्य चंद्र हे दया का सागर है अनंत दया का सागर हे कृष्ण विषयक उच्च कीर्तन गीत नर्तन हे अम्बुज सभितो हंस चक्रवाघ भ्रम रूप साधु भक्त सकलेर विहार स्थान तथा हर कोई का कर्णानंद जनक जे आनंदमय संकीर्तन उत्साह स्रोत का स्फुट हो मधुर ध्वनिरूप तुमार दीप्तिमती लीलामृत भगरथी हमारा डिजर्ट लाइक मरुभूमि सदृशो मेरा जवान जुहा में निरंतर प्रवाहित तो होते रहे हे भगवान कृष्णोत्कीर्तनों गान नर्तनों कला पथो तो जनी भजिता সৎ ভক্ত বলি হংস চক্রো মধুপশ্রেণি বিহারস্পদম করণানন্দ কল ধনি তুমি জীবা মরুপ্রাঙ্গণে শ্রী চৈতন্য দয়ানি ধে তবো লস লীলা সুধা হর ধনি আপা লীলা সুধা কন্দা এই এইযো অমৃতময় ধনি চলতে রত্ত आपका ये जो हे चैतन्य महापो दया का समुंदर है आप कृष्ण विषयग उच्च कीर्तन गीत और पद्मो जैसा शोभितो है नर्तादि अम्बुज शोभितो और हंसो चक्रवाक और भमुर रूप भक्त बिंदो ये सकल का स्थान आपका चरण कमल आ तथा हित कर्ण रसायन सदु कर्णानंद जनक ये जो स्रोत का अस्फुट मधुर ध्वनि रूप तुम्हार दीप्तिमती लीलामृत भगीरथी तुम्हारा तुम्हारा जो लीला अमृतो तुम्हारा लीलामृतो मापिक जो मंदा की नि बहती हुई जा रही है हमारा ए डेजर्ट लाइक हमारा इस जवान मरुभूमि सदृश इसमें हर वगत नित्या कर नित्य करते रहे इसका बाद कृष्णदास को विराज गोस्वामी ने बताया जय जयो श्री चैतन्यों जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जयो गौर भक्त बिंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय चंद्र जयो गौर भक्त बिंदु तनि जय जय श्री चैतन्य इसका बाद नित्यानंद बहु का जय हो जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंदु मारे गौरंग महापु का जयकारा दिया नित्यानंद बहु का जयकारा दिया इसका बाद अद्वित चंद्र का जयकारा दिया और गौर भक्त बिंदु का जयकारा दिया जय जाए जयकार हो और तीसरा श्लोक में अर्थकोरी विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगल आचरण तृतीय श्लोक मैंने जो पहला फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में जो सब श्लोक धीरे 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 दिया है फर्स्ट चैप्टर में जो सब श्लोक को उद्धार किया कोट किया ये सब श्लोक का एक एक करके व्याख्या करने जा रहा है कृष्णदास को बीरागृष्ण जदितम ब्रह्म उपनिषदि तदपि असत अनुभा यमान्तर यामी पुरुषो इति सो विभव षड ज पूर्ण जो भगवान स्वस्वयम नवचैतन्यद कृष्णा जगति परतत्व परम्य ये श्लोक का विचार ये श्लोक का विचार पहला अद्याय में कर दिया पहला फर्स्ट चैप्टर में इस श्लोक का हमने व्याख्या किया था फिर भी चलो कोई बात नहीं ये पहला श्लोक का ये व्याख्या है ये पहला श्लोक का व्याख्या है इसमें बोला जितना सारे उपनिषद है जितना सारे उपनिषद हैं जो सब उपनिषद जिसको अद्वैत ब्रह्म जो सब उपनिषद उपनिषद जितना सारे उपनिषद हैं जिस चीज को अद्वैत ब्रह्म बोल के विचार करता है ये अद्वैत ब्रह्म ये हमारा प्रभु गौरांग महाप्र का अंगोकांति है इम्पर्सनल ब्रह्म इफॉर्जन जिसको उपनिषद सारे उपनिषद जिसको अद्वैत ब्रह्मो बोला बोल के विचार करता है और ये जो है ये हमारा प्रभु का इम ब्रह्म ब्रह्मो इफालजेंस अंग कांति और ये हमारा प्रभु को योगिक शास्त्रों में जोग शास्त्रों में अंतर्जामी पुरुष और परमात्मा बोल के जो विचार करते हैं ये हमारा प्रभु का অংশস্বরূপ এ আমারা প্রভু কাজা অংশস্বরূপ আর জিসক ব্রহ্ম আর পরমাত্মা কশ্রয় ব্রহ্ম আর পরমাত্মা যে মূল আশ্রয় অংশী স্বরূপ স্বরই ভগবান জিসক বোলা যা ওই মেয়েরা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ সেই স্বয়ং ভগবান অতএব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অপেক্ষা অত अतः श्री अतः श्री कृष्ण चैतन्य से बढ़कर कोई तत्व तो नहीं है मतलब श्री कृष्ण चैतन्य जो तत्व तो है इट इज़ अ एक्सट्रीम तत्व एप्सिल्युट तत्व इसका बाद ये है एक्सट्रीम तत्व तो बा एब्सल्युट तत्व तो बोलने से कोई लिमिट का इंडिकेशन अगर कोई समझे ये भी गलत है एप्सिलुट तत्व अगर कोई कहे एक्सट्रीम लिमिट हम इसका एन पॉइंट मिल गया ये गलत है अपरागी जगत का जो एप्सल्यूट तत्व है इसका एन पॉइंट वाली यू कैन से द एन पॉइंट बट स्टिल दैट एन पॉइंट इज ऑल्सो एनलेस दैट एन पॉइंट इज ऑल्सो एनलेस इसका नाम है तत्व समझा नहीं उपनिषद में लिखा है उपनिषद में लिखा है जे एक परिपूर्ण पूर्ण मादा पूर्णस्व पूर्ण मादायो, पूर्णमेव अवशेष होते पूर्ण वस्तु से पूर्ण मधु, पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु निकाला जाए तो पूर्ण वस्तु अवशेष रहता है बट इन मेटेरियल कंसेप्शन मेटेरियल बुद्धि समझोगे नहीं दिस ग्लास इज फुल ऑफ गंगा वाटर आई टेक वन स्पून वन स्पून गॉन शॉर्टेज ऑफ वन स्पून लेकिन अपरागिक जगत में ऐसा नहीं पूर्ण वस्तु गोलोकधाम बृंदावन गोलोकधाम वृंदावन से हम गिरिराज महाराज को लेके धरती पर पृथ्वी में आए गिरिराज महाराज को उधर से ले गुरु गोविंदावंश यहाँ आ गया फिर भी वृंदावन में गिरिराज महाराज विराजमान समझा नहीं पूर्णोत्सव पूर्ण महादाय पूर्ण में अवशिष थे पूर्ण वस्तु इज फॉर्म पूर्ण वस्तु देन द रेसिड्यू रेमेन इज ऑल्सो पूर्ण इज वन कैन फैलस ना बहुत कठिन है ये समय बहुत कठिन हैं उतना आसान नहीं है जदद्दीतम ब्रह्मोपनिषदि तदपितुभा यम्तयामी या पुरषो इस सोशाश विभव स्रैश्वर्पूर्ण यगवान्स्वयम न चैतन कृष्णा जगति कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से और एब्सल्यूट तत्व और कुछ नहीं एक्सट्रीम पॉइंट तो तत्व वस्तु का विचार क्या है भागवत जी महापुराण में है वदंती तत्विदम तत्व यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे भगवानती शब्द ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन अंग प्रभा अंश स्वरूप है अंग प्रभा অংশ আর স্বরূপ বিধ ছিল ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ব্রহ্ম মানে ইম পারসোনাল ব্রহ্ম ইম্প ব্রহ্মজ্যোতি আত্মা পরমাত্মা সোল আর ভগবান স্বয়ং ভগবান অনুবাদ তিন অনুবাদ মানে এক্সপ্লেনেশন তো তিনো কা এ এই উদ্দেশ্য सब्जेक्ट पेडिकेट अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट पेडिकेट है सब्जेक्ट दिस प्रेडिकेट दिस ये हैं ब्रह्म आत्मा और भगवान तीन अनुवाद और अंगोप्रभा अंशो और स्वरूप तीन विधो चिन्हों सब्जेक्ट और पेडिकेट दोनों तो अनुवाद आगे पहले अनुवाद बोलना चाहिए पहले अगर अनुवाद ना बोलो मूल वस्तु ना बोलो सपोज यू आर ग्लोरीफाइंग रामचंद्र फर्स्ट ऑफ ऑल रामचंद्र कमिंग उसके बाद राम जो हिंदू का रामचंद्र का ग्लोरीफिकेशन रामचंद्र का बारे में बोल रहा है ना तो इसलिए अनुवाद जिस मूल विषय वस्तु उसका बारे में पहले बोलना चाहिए उसके बाद विदे हो इसका बारे में कुछ बोलो कुछ स्थापन करो वो ऐसा है वैसा है सही और को ही सुनो शास्त्रो विपरण अभी ये तीनों का अभी ये तीन वस्तु ब्रह्म आत्मा भगवान का हम शास्त्रों का विवरण शास्त्रों का अनुसार एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ स्वयं भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं है भगवान श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं है भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी भगवान श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं है परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण एंड भगवान श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों कोई अवतार नहीं है अवतारी माने मूल पुरुष कृष्ण भगवान से सारे अवतार आए हुए हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु तत्व स्वयं भगवान कृष्ण और विष्णु तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व परिपूर्ण ज्ञान हमने अंग्रेजी कथा में बोला था भगवान साइमल्टेनियसली एट ए टाइम इन्फिनिटी ब्रह्मांड का एवरी ड्रॉप हर का खबर एट ए टाइम जानता है इसे बोला पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान मैंने जिस ज्ञान में कोई अभाव नहीं है पूर्ण ज्ञान कब होता है कोई भक्तों का अंदर में कोई भक्तों का अंदर में भी पूर्ण ज्ञान होता है कोई भक्तों का अंदर में भी पूर्ण ज्ञान होता है जब भगवत तत्व विज्ञान हमने बोला उपनिषद जस्मिन प्राप्ते सर्वीद प्राप्त भवति जस्मिन ज्ञाते सर्वीदम विज्ञातम भवति कृष्णों को जानने से कृष्णों को जानने से सारे कंप्लीट ज्ञान कृष्णों को प्राप्ति होने से कंप्लीट प्राप्ति यही बोला है স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব কৃষ্ণ পরিপূর্ণতম জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ আনন্দ ভগবান কি সৎ চিৎ আনন্দ ভগবান সৎ চিৎ আনন্দ সৎ মানে ইটার্নালি প্রেজেন্ট চিৎ মানে চিন্ময় আর আনন্দমিন আনন্দমিন আনন্দ তো পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ব नंदो सुतो बोली जा रही भागवत गाय भागवत जी महापुराण में जिसका परिचय है भागवत जी महापुराण में जिसका परिचय है भागवत जी महापुराण का अंदर में भागवत जी महापुराण का अंदर में जिसका परिचय है नंदो महाराज का बेटा भागवत जी महापुराण में जिसका परिचय आता है इज द सन ऑफ नंदो महाराज दी क्लियर नंदो सूनो बोली जा रे भागवत गाय भागवत जी महापुराण के जिसका परिचय मिला नंदो महाराज का बेटा लड़का से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाए वही भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके जगत में कीर्तन में लिखा है भक्ति में ठाकुर क्या নন্দ নন্দূন্য যিনি চৈতন্য গোসাই নিজ নাম করি দান তরিল তরিল জগৎ তুমি লহ নিজ পরী ত্রাণ বহু সুন্দর কীর্তন বিউটিফুল কীর্তন বহু সুন্দর সুন্দর কীর্তন নন্দসূন বলি যারে ভাগবত গাই সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই প্রকাশ বিশেষ দেহ ধরে নাম अकॉर्डिंग टू हिस एक्सप्रेशन इन डिफरेंट फॉर्म कभी भगवान ब्रह्म रूप में प्रकाशित होता है परमात्मा इज द आंशिक पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ दैट भगवान परमात्मा अंदर में पार्शियल एक्सप्रेशन बट कंप्लीट इज भगवान स्वयं सो ब्रह्मो ब्रह्म इफाल ब्रह्मो परमात्मा आर स्वयं भगवान जो श्लोक हमने बोला भागवत जी महाप्र वही बताया

इनके अंग कांति शुद्ध किरण मंडल वैकुंठ जगत का बाहर इफ यू गो जोगी जो लोग जो लोग जाता है ज्ञानी लोग धीरे धीरे जाके ब्रह्म लोग पार करके बिरोजा पार करके एक ज्योतिर्मय धाम इसका नाम है इम्पर्सोनल ब्रह्म इफार्जेंस तार विशुद्ध তার অঙ্গের বিশুদ্ধ কিরণ মণ্ডল উপনিষদ গায়তারে ব্রহ্মশ্রীন যা আমা অঙ্গ্রেজি কথা মে যদ ব্রহ্ম নিষ্কলম অনন্তম শেষভূতম যদ ব্রহ্ম নিষ্কলম অনন্তম শেষ ভূতম গোবিম এ ব্রহ্ম হ্রহ্মজ্যোতি

कोई अगर बांग्ला ना समझे इसका दिमाग में घुसेगा नहीं बहुत कठिन ये आँखों के द्वारा चरम चौखे देखे जो इसे सूर्यो निर्विशेष कोई अगर जड़ जगत का आदमी है ये जड़ जगत का कोई भी मटेरियल आदमी है वो अगर सूरज भगवान को देखे सूरज भगवान को देखे ओनली ही कैन सी लाइट नथिंग हेल्थ सोर्स ऑफ लाइट नथिंग है एक जर जगत का कोई भी आदमी सूरज भगवान को देखे आंखों से क्या देखेगा वन बॉल ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट नथिंग बट दे डोंट नो दे सूरज भगवान का लाइफ पर्सनल ब्रह्मो इंफॉल्स का आर इफ यू गो एंटर दे सूरज भगवान का, का, का मूर्ति है फोर हैंड सूरज भगवान का मूर्ति है लेकिन सूरज भगवान का मूर्ति दिखाई नहीं पड़ता गंगा में जाओ अब देखो पानी है गंगा देवी दिखाई नहीं पड़ेगा जमुना में गया हमारा बन महाराज जी भक्ति युद्ध बनोग महाराज जमुना जी को देखा नारद जी को देखा बन महाराज लिखा है वैकुंठे पथे इन द वे ऑफ बैकुंठ उसमें लिखा बन महाराज ही मेट विथ जमुना देवी यमुना देवी स्नान कर स्नान कर रही है शौखियों का साथ क्या एक्सीलेंट वेरी हार्ड एट प्रेजेंट। फाइनली अमृतो बहुत कठिन एट प्रेजेंट वेरी हार्ड बहुत कठिन लेकिन मिलता है तो ये चौरम चौखे देखे जो इससे सूर्यो निर्विशेष ये मेटेरियल आइस के द्वारा देखोगे सूरज में कुछ अरे ये तो कुछ नहीं है सूरज भगवान में तो ये ज्योति है कुछ नहीं है चर्म चौखे देखे जो इच्छे सूर्यो निर्विशेष ए मेटेरियल आइज, ए जड़ चक्षु के द्वारा क्या देखोगे काइलाइट सोर्स देखोगे कुछ नहीं है चर्मो मेटेरियल आइज के द्वारा क्या देखोगे खाली लाइट देखोगे बहुत तेज है इफालजेंस और कुछ नहीं तो ऐसे ही जैसे सूरज भगवान को देखोगे कुछ नहीं दिखेगा सूरज भगवान का ओर देखोगे कुछ नहीं दिखेगा किस देखोगे लाइट आ रहा है और कुछ नहीं लेकिन इसका अंदर में सूरज भगवान विराजमान है हमारा वैख्यानोष गोस्वामी महाराज हमारा वैख्यानोष गोस्वामी महाराज सूरज भगवान को देखा है हमारा जो बैठानुष गोसाई में सूरज भगवान को देखा है सूरज भगवान ने एक फल का कटोरी दिया है पहले पहले आने का पहले वैष्णव ये तो ईटानर पार्षद है ऐसे लीला किया पहले सूरज भगवान को सूरज भगवान अगर दो तीन दिन दिखेगा नहीं वो खाएगा नहीं

सडनली आसमान को सूरज झट से देखा सूरज सूरज देखा लेकिन खाना नहीं है का खाएगा इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेशन एक ओल्ड मैन बड़ा सारे फ्रूट्स का एक बास्केट लेकर फ्रूट फल का वो भी रेयर फ्रूट्स विच इज नॉट अवेलेबल इन दिस सोसाइटी रेयर फ्रूड सम फ्रूट्स अवेलेबल इन हिलम हिमालय हियर देयर ओ ऑल फुल ऑफ बास्केट वन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी आया पकड़ो 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 बोले ओल्ड मैन है ना बस जा के फूल फल फुल, का टुकड़ी को पकड़ा संभाला फल का उठ के देखा द दे मैन नहीं है वेनिस फल का कोठोरी को लेके उतारा उतार के फिर देखा आदमी गायब आदमी गायब सूरज भगवान सूरज भगवान आया है भक, भक्तों को फल देने के लिए अरे भक्त अभी क्या खाएगा कुछ तो नहीं है हमारा कुंती देवी कुंती देवी है ना कुंती देवी दुर्वासा मुनि ने दुर्गासा दुर्वासा मुनि ने इनके सेवा के द्वारा प्रसन्न हो गया तो आशीर्वाद किया कुंती देवी को कुंती कुंती देवी को बोले एक मंत्र तुमको हम देंगे ये मंत्रों को जप करोगे कोई कोई भी देवता को बुलाओगे चाहे इंद्रो वरुण कोई देवता था वो आ जाएगा तो कुंती देवी फॉर टेस्टिंग ही टेस्टिंग लेट मी सी एनी कमिंग ऑन सूरज भगवान चार सूरज भगवान आए कपड़ा गया यू आर शोक टू सी यू 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 कॉल मी एक्चुअली वट यू नथिंग न इट कैन नॉट सो हैपन हमने आया है, है तुमने बुलाया हमने आया कुछ तो लेना ही पड़ेगा ए कुछ नहीं चाहिए हम तुमको देख आई कैन गिव सॉन सोन आई एम नॉट मैरिड ओके नो प्रॉब्लम सील आई कैन गिव वन सॉन कॉर्नो दैट कॉर्नो वॉज द सन मीरा कल अभी भी कॉर्नो ये कॉर्नो जो तपस्या कॉर्नो सूर्य का तपस्या किया कॉर्नो सूर्य पुत्र एक्चुअली सूर्य दे दिया कुंती को सूर्य ये जो सूर्य भगवान को सूर्य भगवान को ये जो कर्ण कर्ण महाभारत का कर्ण का नाम सुना कर्ण कर्ण है ये कर्ण जो है कर्ण का तपस्या स्थल मैंने देखा ये भी एक सूरज कुंड कर्णों का जो तपस्या स्थली है द स्पॉट वेयर ही डान तपस्या ये इसका नाम भी सूर्य कुंड है आज जिस सूरज कुंड में मैं रहता था पहले जो राधा रानी ये आज दोपहर का टाइम में राधा रानी जाके मधुपान सूर्य पूजो खेला सूर्य को पूजा करने के लिए सूरज कुंड जाते थे ये राधा कुंड से जाना पड़ेगा यहाँ मैं रहता था सूरज कुंड ये भी सूर्य कुंड तो जो भी है तो चौरम चौखे देखे जो जो सूर्य ने अरे सूर्य नो पर्सोनिफाइड सूर्य भगवान आई के नॉट सी बट सूर्य भगवान इस सूर्य का भक्तो लोग सूर्यों का जो भक्त है वो लोग में जाएगा समझा नहीं जो सूर्यों का और करेगा जो सूर्यों का आराधना करे वो सक्सेसफुल होगा बाद में सूर्य लोग में जाएगा आप बोले महाराज लोग में कैसे जाएगा सो हॉट ये तो संभव नहीं है बेकार की बात है फालतू यूजलेस स्पीच हाउन मैन कैन यू डोंट अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी यू डोंट नो यू ओनली नो दिस बॉडी मेड अपड एंड फ्लाश आई मीन आर्थ एयर एंड स्पेस दंचभोती बट फायर बॉडी एयर बॉडी दोज आर घोस्ट दे एयर बॉडी फू दे गोइंग संभव बट आप सोचोगे सूरज भगवान में they are दे आर स्लीपिंग देयर रोमिंग अराउंड नाइसली इन दो टेम्परेचर यूजलेस यू कैन थिंक मेटेरियल आदमी अकॉर्डिंग टू देअर एक्सपीरियंस देअ थिंकिंग बियॉन्ड दर एक्सपीरियंस समथिंग देयर देखे ना इज इम्पॉसिबल बट एवरीथिंग पॉसिबल सो यह जो है चर्म चौक से देखे जो इसे सूर्यो निर्विशेष ज्ञान मार्गे लोहित नरे तहार विशेष इसलिए ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान मार्ग में जो लोग जाता है ये भगवान का पर्सोनिफाइड जो स्वरूप है ये मानता नहीं जो शो प्रभा प्रभव जगदन कोटि

अशिषभभूत गोविंद महादि पुरुषम करोड़ करोड़ इन्फिनिटी ब्रह्मांडो फ्लोटिंग इन द वॉटर ऑफ बिरोजा लाइक मास्टर सीट लाइक मस्ट पार्टिकल इन्फिनिटी ब्रह्मांड दे आर फ्लोटिंग यू कैन गो मैट कैन गो मैट क्यों इमेजिन कोटि कोटि ब्रह्मांडो से ब्रह्मेर विभूति करोड़ों करोड़ों करोड़ सब ब्रह्मांडो यू कैन नॉट काउंट अशेष वसुधा दि वी थिंक देर इज ओनली वन अर्थ दिस इज द अर्थ बट आदर साइंटिस्ट ऑलरेडी दे फाइंड आउट देर इज सो मेनी अर्थ मोर सुइटेबल देन हियर देयर वाटर इज मोर प्योर साइंटिस्ट लोग दे सर्च आउट इन द स्पेस देर अर्थ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ आल एनीवे anyway, सो so, सौ चंद्रलोक इन चंद्रमा वहाँ भी चंद्रमा का जो भक्त है वो चंद्रो में रहता है चंद्रलोक में प्राण का एक्सपीरियंस मिला है प्राण का सिंटम मिला है रह सकता है जो भी है यहाँ लिखा है करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड अशेष इन्फिनिटी वसुधादि पृथ्वी अलग अलग पृथ्वी है वसुधादि वसुधा स्टार एंड प्लैनेट भी सूर्य भगवान ये जो सूर्य भगवान हैं 18 लैक्स टाइम बिगर देन आर्थ 18 लैक्स टाइम मल्टीपल आर्थ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 18 लैक्स देन

अनंत करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में अशेष वसुधादि ओश्व्य के द्वारा ऑल इन्फिनिटी ब्रह्मांड देयर एंड निष्कल अनंत अशेष भूत ब्रह्मजार प्रभा जिन भगवान का अंग ज्योति निष्कलम अनंतम अशेष भूतम वही आदि पुरुष आदि पुरुष कौन है वही आदि पुरुष गोविंद है साइंटिफिक रिसर्च क्या है साइंटिफिक रिसर्च मतलब साइंटिफिक रिसर्च का मतलब यू टू सर्च व्हाई दिस हैपनिंग? यू टू गो टू वाई दिस इजनिंग हैपनिंग? यू कैन ओ दिस इज द रीजन फॉर वाई जेलियो कुरी कुरी हाउ दे डिस्कवर्ड

But be sure, countless research, infinity research you can do, you can come to the ultimate point, Krishna. <laughs> Nothing else. All research, infinity research. Infinity research you can do, finally you can find, oh, there is no reason, only Krishna. Govinda. <laughs> Nothing else. So, very strange, really. koti koti Jay, je, brahmer Bibhuti. से ही ब्रह्म गोविंदे हय अंगक्रांति से गोविंद भोजी हमी से गोविंद हम भजन करते हैं त्यों मोर पति कृष्णदास कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं उसी गोविंद को मैं भजन करता हूँ वही गोविंद मेरा मालिक है मेरा स्वामी है से गोविंद भजी आमी त्यों मोर पति ताहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति से गोविंद भोजीमी त्यू मोर पति तार प्रसादे मोर शक्ति सृष्टिशक्ति गोविंदो का कृपा के द्वारा ए गोविंदो की कृपा के द्वारा क्रिएटिंग पावर ब्रह्मा का ब्रह्मा का जो सृष्टि शक्ति कैसे है ब्रह्मा का जो क्रिएटिंग पावर अपारेंटली हम लोगों को विचार है ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने जगत सृष्टि किया बट ओरिजिनली ब्रह्मा ने किया नो नृष्ण किया भगवान से कृष्ण पावर दिया इसमें लिखा है चतुर्थलो की भागवत में भगवान ने उसको पावर ट्रांसलेट किया और तुम अभी सृष्टि करो पावर दे दिया ये गोविंदों का कृपा लेकर मैं श्री चैतन्य तो लिखने का साहस आई एम एक्सप्रेसिंग माई एडासिटी टू राइट कंपाइल चैतन्य तो बाई हिज पावर क्योंकि श्री चैतन्य तो लिखने का पहले वैष्णव लोगों ने आदेश किया हाँ आपने तो चैतन्य तो लिखो बोले ठीक है मदन मोहन का पास गया मदन मोहन को पुजारी माला अर्पण किया माला मदन मोहन को एक माला दिया एट माला फॉल डाउन एंड दैट माला वाज गिवन टू किशन ऑटोमेटिकली माला फॉल डाउन मैंने मदन मोहन इंडिकेटिंग दिस माला यू कैन गिव टू हिम आई ऑर्डर ही कैन कंपाइल चैतन्य आफ्टर दैट ही कंपाइल ऑल मिरेकल इन स्पिरिचुअल लाइफ इफ यू कैन गो आप देन यू कैन रियलाइज ऊपर जाओ तो सब समझ में आएगा चैतन्य चैत्या तो, तो कृष्णदास कबिराज गोस्वामी जी ने कंपाइल किया किसके कि पापे मदन मोहन ए ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन कृष्णदास कबिराज उसने क्या का? काल विचार करेंगे आज टाइम नहीं है कृष्णदास उस समय कह रहे हैं यंथ लिखाए मोरे मदन मोहन अमार लिखन जानो सुखेर पठन पैरोड टीच है पैरट

शमना ऊर्धमंतिन ब्रह्माख्यम धाम ते या शांत संन्यासीन अमलहा जो अमल प्योर सन्यासी हैं जो ज्ञान मार्ग में आराधना करते हैं वो सरी छोड़ के ब्रह्माख्यम धाम ते या शांत संयासीन अमलहा यहाँ ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाता काल इसका व्याख्या करें मे श्रीचैतनों प्रभु मंदे तरे नाना तरें नातग्राह्य व्यक्त श्री चैतन्य पदुजों मधुपेभ्यो नमो नम कथित आश्रया साओं तत्कोभागे कि कल्पतुरश्च किसी Po titanën në papën e po, shë në vjunë në mundë në